हेलो गाइस, माय नेम इज़ साहिब सिंह सिडाना एंड वेलकम टू माय चैनल ट्रैवलिंग इंडियन। आज मैं आपको एक बहुत मतलब मेरे बहुत क्लोज हैं, सो आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस हिम इन द व्लॉग। ये हैं विशाल सर। ये मेरे स्कूल के डीपीएस स्कूल के मैथ्स के टीचर थे, तो ये अभी दुबई में है। ये एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, आई विल नॉट नेम कौन सा स्कूल है। तो आज मैं इनके साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। इन्होंने मुझे कॉल किया, कह रहे तू दुबई आया है सो यू नीड टू ट्रैवल विद मी। सो आज मैं इनकी फैमिली के साथ खुरफकान जा रहा हूँ। खुरफकान, हाँ सर, खुरफकान कहाँ है? खुरफकान इज ऑन द ईस्टर्न कोस्ट एंड इट इज इन द एमिरेट ऑफ शारजा, बट वेरी क्लोज टू फुजायरा, देन वी विल क्रॉस फुजायरा आल्सो। सो इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस बट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। राइट नाउ वी आर ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। इट्स अबाउट यू कैन से 115-120 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर एंड इट विल टेक अराउंड 1 hour 15 or 1 hour 20 minutes। बट उससे पहले हम लोग कुछ, जो सर का बेटा है उसका RT-PCR टेस्ट करवाना है क्योंकि इसके एग्जाम्स आने वाले हैं। एग्जाम्स से पहले भी घूमने जा रहा है, तो सही है भाई। So it's a mandatory condition that every 14 days in the Emirates of Ajman students have to undergo RT-PCR test every 14 days. Not only students, even the staff members also. So it's a requirement by the authorities. So we have to comply with the requirement and that's why we need to get the PCR done. तो ना ऐसे हम लोगों को मॉर्निंग लेक्चर मिलता था आने से पहले कि आज डिसिप्लिन मेंटेन करना है, ये करना है। तो ये ऐसी अभी भी ऐसी बात करते हैं, बट काफ़ी मतलब ये काफ़ी चिल हैं, तो इस वजह से ऐसा सीन है कि मैं घूमने वूमने जा रहा हूँ इनके साथ। बट तो मैंने भी डिसाइड किया क्योंकि इसके बाद मुझे नेक्स्ट जाना है अबू धाबी, तो मैं भी आज अपना RT-PCR यहीं से करवा लूँगा क्योंकि 14 डेज के लिए वैलिड रहेगा। टोटल 7 एमिरेट्स हैं और ये रोड ट्रिप करने का मेन पर्पस यही है कि ऑलमोस्ट 7 एमिरेट्स को टच करता हुआ मैं निकलूँ, ताकि मैं कम से कम ये तो अपने दिमाग में ये बोल पाऊँ कि हाँ मैं UAE घूमा हूँ और UAE के एटलीस्ट हर जगह पे या हर एमिरेट्स में मैं जा कर के आया हूँ। सो अभी हम लोग डिब्बा एक जगह है जहाँ पर हैं और यहाँ पर बीचेस हैं एंड लुक एट दिस बीच, वाटर इज़ सो क्लियर। यहाँ पर ना लोकल लोग यूजली ड्राइव इसीलिए करने आते हैं क्योंकि ये जो रोड है उसके एक साइड पे बीच है और एक साइड पे रॉकी माउंटेंस है, जो कि रॉकी माउंटेंस पीछे आपको दिख रहे होंगे, और बीच में रोड जा रहा है एंड देन दिस इज़ बीच। लुक हाउ क्लियर दिस इज़। अभी खुरफकान के रास्ते में एक ये मैन मेड वाटरफॉल आता है, वहाँ रुके हैं। इट इज़ सो इंटरेस्टिंग क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, तो इन लोगों ने पीछे एक रिजर्वॉयर बनाया है जहाँ से ये लोग कंटिन्यूसली वाटर यहाँ से आता रहता है नीचे, यहाँ से वापस से ये लोग कलेक्ट करते हैं एंड वो ऊपर जाता है। इंटरेस्टिंग यार, ये बात भी सही है, पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता, तो आप लोग ऐसी चीज़ें भी बना सकते हो अगर पैसा है तो। इट इज़ अ लवली प्लेस। खुरफकान के रास्ते को मैं अभी बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा हूँ। अगर आप लोगों के पास टाइम है, कुछ एक्स्ट्रा दिन अगर आप लोग UAE में स्पेयर कर सकते हो, तो बाकी एमिरेट्स को भी एक्सप्लोर करिए। देर आर सो मैनी इंटरेस्टिंग प्लेसेस इन UAE। वी आर फाइनली हेयर इन खुरफकान और ये खुरफकान का बीच है। पीछे जो आप देख रहे हैं उस साइड वो हार्बर है और उसके बैक साइड पे एक आइलैंड है जिसका नाम है शाक आइलैंड। यहाँ से शेयरिंग बोट मिलती है जिसका प्राइस होता है 20 dirhams, ऐसा मुझे इन्होंने बोला है। आप आकर के नेगोशिएट कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि हम लोग डायरेक्टली 100 dirhams दे करके अपनी बोट लेकर के जा सकते हैं। तो हम लोग 5 लोग हैं तो हम लोग अपनी बोट लेकर के जा रहे हैं क्योंकि कॉस्ट बराबर ही आती है अगर हम लोग अपनी बोट ना भी लेते तो भी। Thank you.
आई एम हेयर एट शार्क आइलैंड और इसका नाम शार्क्स की वजह से नहीं पड़ा है बट यहाँ पर फिर भी मॉर्निंग में छोटी शार्क्स आती हैं। अगर आप लोगों ने मेरा थाईलैंड का व्लॉग देखा है तो आप लोगों को पता है मैं किस शार्क्स की बात कर रहा हूँ, अगर नहीं देखा है तो अभी जा कर के देखो। द नेक्स्ट थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट दिस आइलैंड इज़ यहाँ की जो ये बोट राइड है वो मंडे ट्यूजडे वेंसडे को नहीं चलती है, थर्सडे ऑनवर्ड ये कमेंस होती है और फिर संडे तक चलती है। तो अगर आप लोग प्लान कर रहे हो खोरफकान आने का तो इन्हीं डेज़ के अंदर करना ताकि आप लोग भी शार्क आइलैंड पे आ सको। और अभी तो रमादान चल रहा है तो बाहर कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलेगा, अगर आप लोग कुछ भी खाने के लिए लाना चाहते हो तो अपने आप पैक करके लेकर आना पड़ेगा या मेन सिटी से लेकर के आना पड़ेगा, जैसे मेरे पीछे ये लोग लेकर के आए हैं अपने आप और चिल कर रहे हैं। ये ना आइलैंड का पानी बहुत ज़्यादा साफ है तो आप लोग पहले ही अपने बोट वाले भैया से बात कर लेना कि आप लोगों को आइलैंड पे ज़्यादा टाइम दे, वरना ये बोलने लग जाते हैं कि चलो चलो चलो, क्योंकि मैं बाकी बोट्स को देख रहा हूँ उनके साथ ये लोग ऐसा ही कर रहे हैं। तो हम लोगों ने तो टाइम मांग लिया था चिल करने का तो हम लोगों को इसलिए मिल भी रहा है। बट बिलीव मी गाइस, अगर आप लोग अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है मोस्टली लोग यूएई अपनी फैमिली के साथ ही आते हैं, तो दिस कैन बी अ रियली नाइस स्पॉट जहाँ पर आप लोग अपनी फैमिली के साथ इन्जॉय कर सकते हैं। आप लोग वॉक करके हार्बर वाली साइड से दूसरी साइड पर भी आ सकते हो आइलैंड के, और जहाँ से व्यू बहुत ज़्यादा प्यारा है, पूरा बीच है आगे तक। तो गाइस अब पहुंच गया हूं मैं अल रफीसा डैम में और डैम है मेरे पीछे। लैंडस्केप यहाँ का ना बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है क्योंकि ऐसे माउंटेंस यूएई में यूजुअली बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं। एंड इनके पास यहाँ पर एक लेक भी है जिसके अंदर कुछ डक्स एंड ऑल है, साथ में यहाँ पर कायाकिंग एंड बोटिंग की एक्टिविटी भी होती है, तो अगर आप वो करना चाहते हो तो ये काफ़ी एक प्यारा स्पॉट हो सकता है। इवनिंग में आकर यहाँ से सनसेट भी इंजॉय कर सकते हो, दिन में तो थोड़ी गर्मी हो जाती है तो उसके लिए अंदर एक लाउंज भी है, आप वहाँ पर भी आकर के चिल कर सकते हो। जो अगर आपके साथ किड्स वगैरह आ रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पर स्लाइड्स हैं, राइड्स हैं, बहुत कुछ बना हुआ है तो वो आपके साथ आकर के चिल कर सकते हैं यहाँ पर। एंड आई थिंक दिस इज़ वर्थ इट स्पॉट। अगर आप लोग खोरफकान आ रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों को एक तो खोरफकान बीच बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, सेकेंड शार्क आइलैंड बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, एंड दिस इज़ दी थर्ड स्पॉट जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। एंड आई थिंक खोरफकान में इससे ज़्यादा आप लोगों को अच्छा और कोई स्पॉट मिलेगा नहीं। गाइज मैं पहुंच गया हूं दुबई मॉल और मेरे आसपास क्राउड देखो कितना ज़्यादा है। ये सब यहां पर एक खास रीज़न की वजह से आए हैं क्योंकि मेरे पीछे है बुर्ज खलीफा, एंड बुर्ज खलीफा पे अभी होने वाला है फाउंटेन शो जो कि होगा यहां पर और सब लोग यहां पर इंजॉय करने वाले हैं। तो फाउंटेन शो का टाइम 7:30 तक आप यहां पर पहुंच जाओ तो आप इंजॉय कर सकते हो, एंड अगला जो होता है वो 9:00 के बाद होता है, छोटा होता है। सो आई एम प्रिटी एक्साइटेड देखने के लिए, आई एम श्योर कि एपिक होने वाला है, इतने सारे लोग ऐसे ही नहीं आते हैं यहाँ पर। सो लेट्स एंजॉय इट। रियली नाइस। आज रमादान का पहला दिन है यहाँ पर तो इस वजह से उसको सेलिब्रेट करने के लिए, उसको विश करने के लिए यहाँ पर रमादान करीम लिखा था। एंड आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा ये फाउंटेन शो, मैंने भी किया, बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप लोग दुबई आ रहे हैं तो इसको मिस मत करिए, इट इज़ फ्री। तो आप जब भी इवनिंग में आपको टाइम लगता है, मॉल आने का मन करता है तो मॉल भी आइए, घूमने के बाद इसको इन्जॉय कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने आज की वीडियो को इन्जॉय किया होगा। Please subscribe to the channel, like the video and don't forget to comment. I'll see you in the next one. Next video bahut jaldi aa rahi hai guys. Bye.